अस्सलाम वालेकुम जी। सब कैसे? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज का व्लॉग हमारा थोड़ा सा स्पेशल है। बर्थडे सेलिब्रेशन थी मेरी नंद सिस्टर इन लॉ मेरी जो है उनकी बेटी की। तो ये मैंने ड्रेस निकाला था, मैंने कहा थोड़ा सा फैंसी हो जाए क्योंकि शाम के टाइम थी। तो ये ड्रेस मेरा रखा था, पहले मैंने लॉन का सोचा लेकिन फिर मैंने लॉन का नहीं पहना, मैंने कहा बहुत ज़्यादा ही सिंपल हो जाएगा। फिर मैंने ये वाला ड्रेस निकाला, मैंने ये ज्वेलरी साथ में निकाली। अच्छा, मैंने सारी ज्वेलरी भी पहन ली थी लेकिन जाते हुए मैंने ये नेकलेस भी उतार दिया। मैंने कहा मैं तो कुछ ज़्यादा ही हैवी बन के जा रही हूँ अगर वहाँ किसी ने इतना ना पहना हुआ। फिर मैं सिर्फ झुमकियाँ पहन गई, वॉच थी बस यहीं, और ये मेरा क्लच पड़ा था, छोटा सा पर्स, तो ये इसके साथ मैच हो रहा था, फिर मैंने ये ले लिया। फिर अब इसके बाद मैं शॉवर लेने गई थी, शॉवर लेके आई तो फिर मैंने ये नेल पेंट लगाया। ये वो लाइट वाला कलर है क्योंकि हैवी ड्रेस था तो मैंने लाइट ही लगाना सोचा। ये फिर दोपहर का खाना था, दोपहर में मम्मा ने कीमा बनाया था। उसके बाद खाने के बाद मैं फिर ये जी तैयार हो गई हैं खदीजा, इधर देखें माशाल्लाह। खड़े हो जाएं, खड़े होकर ड्रेस दिखाएं इधर। हाँ जी इधर आए, दिखाएं फुल ड्रेस। ये मैडम साहिबा खुद रेडी हुई हैं, ये तो मुझसे भी ज़्यादा बड़ी मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो अपने आप को रेडी कर सकते। और ये मेरा भाई है, ये जनाब साहब आज ट्राउज़र शर्ट में जा रहे हैं, कह रहे हैं आज मैंने सूट नहीं पहनना। तो मैंने कहा जी ठीक है, हाय कर दो अहमद। अच्छा, ये मैं रेडी हो गई थी तो मैंने अपनी सिस्टर से कहा चलो मेरा भी क्लिप ले लो, मेरा ड्रेस भी आ जाएगा। ये मेरी मम्मा थी, मम्मा भी रेडी हो गई थी। ये वही ड्रेस है जो मैंने आपको दिखाया था, जो मैंने खुद ही जिस पे हैंड एम्ब्रॉयडरी की है। और ये हम निकल पड़े थे अपनी ही गाड़ी पे लेकिन रास्ते में ख़राब हो गई थी। फिर हम घर आ गए, हमने कहा चलो नहीं जाते, लेकिन फिर मेरे फियांस ने खुद ही गाड़ी भेज दी कि नहीं आना बहुत इंपॉर्टेंट है तो ज़रूर आए। अच्छा, मैं यहाँ पहुँच गई थी, मेरी नंद बैठी हैं जो मेरी बेस्ट फ्रेंड भी हैं जिनकी बेटी की बर्थडे भी थी, वो बैठे थे, हम लोग साथ क्लिप ले रहे थे। सिर्फ केक ही ले रहा हूँ। हनु इधर आओ, छुपी गई, आओ ना इधर आ जाओ। माशाल्लाह बहुत क्यूट आई। सही है। अच्छा, यहाँ मैंने हानिया नूर का थोड़ा सा क्लिप बनाया, मैंने कहा चलो अपना ड्रेस दिखाओ अच्छे से ताकि मैं इसको भी व्लॉग। और ये डेकोरेशन थी, इन्होंने छत पे सारा सेटअप किया था, बहुत बेहतरीन सेटअप था। मैं बाकी वीडियोस नहीं बना सकी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मेरे फेस पे मैंने मेकअप किया था तो मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जी हो रही थी। यहाँ पे बर्थडे गर्ल डांस कर रही थी तो फिर ये मेरी नंद ने ही रिकॉर्डिंग की थी, मैंने उनसे वीडियो ले ली, मैंने कहा दे दे मैं ये भी अपने ब्लॉग में डालूंगी। तो काफ़ी प्यारी लग रही थी डांस करते हुए। ये फिर नेक्स्ट डे का व्लॉग है। मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, बुखार मतलब थकावट हो गई थी। रात को 1 बजे हम घर आए थे तो फिर मेरे हस्बैंड आए थे मुझे पूछने के लिए तबीयत मेरी, तो फिर आज का पूरा दिन इसी में गुजर गया। चलें जी, अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही कि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।